हाँ तो मेरे इलेक्ट्रिशियन के जवानों, आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वह है वैद्युतिक शक्ति। वैद्युतिक शक्ति क्या होती है? देखिए, आप जानते होंगे वैद्युतिक को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक कहते हैं। इलेक्ट्रिक और शक्ति को क्या कहेंगे अपन, तो पावर कहेंगे। तो यह अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पावर के बारे में। अब देखिए इसकी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन पर अगर अपन आए तो क्या होगा, तो देखिए कार्य करने की दर को अपन क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति किसको कहते हैं, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। लेकिन यहाँ पर शक्ति कौन सी है, वैद्युतिक शक्ति है। तो इसके लिए क्या डेफिनेशन होगी, इसके लिए जो डेफिनेशन होगी वह यह होगी कि वैद्युतिक उपकरणों में, वैद्युतिक उपकरणों की कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। यानी कि वैद्युतिक वैद्युतिक उपकरणों, वैद्युतिक उपकरणों की कार्य करने करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। की दर वैद्युतिक शक्ति कहलाती है, कहलाती है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा वैद्युतिक उपकरणों की कार्य करने की दर क्या कहलाती है, वैद्युतिक शक्ति कहलाती है। देखिए वैद्युतिक शक्ति को अपन किससे लिखते हैं, तो इसका जो प्रतीक है ना, इसका जो प्रतीक है वह क्या है, पी है। यानी कि जहां पी लिखा हुआ हो वहां पर समझ जाना कि यह शक्ति के बारे में बात कर रहा है। इसके मात्रक के बारे में चर्चा करें, मात्रक क्या होता है, तो मात्रक के बारे में चर्चा करें तो इसका जो मात्रक है ना वह क्या है, वाट है। क्या है, वाट। यानी कि इसको किससे लिखते हैं अपन, डब्ल्यू से लिखते हैं। ठीक है, हर एक उपकरण, जितने भी उपकरण है ना, जैसे कि पंखा है, टीवी है, कूलर है, इस्त्री यानी कि जो प्रेस होती है अपनी कपड़े प्रेस करने की, वह, या वैद्युतिक केतली है, तो जितने भी उपकरण है हर एक उपकरण की वाट क्षमता अलग होती है। जैसे कि आपने सुना होगा आप 100 वाट का बल्ब लाए, 6 वाट का बल्ब लाए, 9 वाट का बल्ब लाए, तो यह क्या है, उनकी शक्ति है। ठीक है, जितना बड़ा उपकरण होता है उतनी उसकी वाट क्षमता होती है, और जितना वाट क्षमता अधिक होती है वह बिजली की खपत उतनी ही अधिक करता है। ये ध्यान रखना, जितना वाट अधिक होगा उतनी बिजली की खपत क्या करेगा, वो अधिक करेगा। ठीक है, आगे होगी आपके बात समझ में। हर एक उपकरण के ऊपर लिखा होता है डब्ल्यू के हिसाब से कि यह इतने वाट का उपकरण है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए इसके बारे में। देखिए इसको आप है ना जो एचपी से भी लिख सकते हैं, मात्रक यहाँ पर डब्ल्यू तो है, लेकिन इसका एक और मात्रक है जिसको आप ध्यान रखना, एक और मात्रक क्या है, एचपी। अब ये एचपी और डब्ल्यू में क्या अंतर है, तो ये तो उपकरणों के लिए है, ये तो उपकरणों के लिए है, लेकिन जो मोटर होती है, मोटर्स होती है, जितनी भी मोटर्स होती है वो सारे की सारे किस में आती है, एचपी में आती है। मोटर क्या मतलब कि जो आपके जो पानी खींचने वाली जो मोटर्स है, या आपकी चक्की चलाने की जो मोटर्स है, या आपके कूलर की मोटर है, तो ये सभी जो मोटर है ना वो सारी की सारी एचपी में आती है। ठीक है, किस में आती है, एचपी में। तो इनमें अंतर क्या है, तो देखिए क्या होता है कि एक एचपी बराबर कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है। 746 क्या होता है, वाट होता है। एक एचपी बराबर ध्यान रखना 735.5 वाट भी होता है। ये दोनों कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये ध्यान रखना। अभी एक एचपी बराबर 746 वाट भी होता है और एक एचपी बराबर 735.5 वाट भी होता है, तो ये अंतर क्या है, तो इसमें अंतर यह है कि ये तो मीट्रिक प्रणाली का है, ये तो किसका प्रणाली का है, मीट्रिक प्रणाली का, और ये ऊपर वाला जो है ना ये ब्रिटिश प्रणाली का है। ये ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश लोगों ने यह माना और मीट्रिक लोगों ने यह माना। आगे बात समझ में, तो दोनों के लिए आपको याद रखना है, जब ब्रिटिश के बारे में पूछ ले तो 746 याद रखना है, और मेट्रिक के बारे में पूछ ले तो अपन को 735.5 वाट याद रखना है। अब जो देखिए ये जो शक्ति है ना, इसके कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। फॉर्मूले क्या, यानी कि शक्ति याद करने के जो फॉर्मूले हैं वह कौन कौन से हैं, जो सूत्र है इसके यानी कि जो फॉर्मूले हैं वह कौन कौन से हैं। तो एक तो है पी बराबर वी आई। ठीक है, पी बराबर वी आई, V क्या होता है, वोल्ट होता है, और I क्या होती है, धारा होती है। एक और है P बराबर V स्क्वायर बट्टा R होता है। ठीक है, P बराबर V स्क्वायर बट्टा R होता है, और एक और है P बराबर I स्क्वायर R होता है। तो ये चार तीन फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनको आपको क्या करना है,
याद करना है, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बार बार इन तीन जो सूत्र है इनसे क्वेश्चंस जरूर बनते हैं, इसलिए आपको इन फॉर्मूलों को जरूर याद कर लेना है। जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा तब इन क्वेश्चनों को मैं हल आपको जरूर करवाऊंगा। एक उदाहरण तो मैं आपको अभी करवा देता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या है, देखिए 100 ओम प्रतिरोध वाला एक उपकरण 2 एम्पीयर धारा लेता है, उस उपकरण द्वारा ली गई शक्ति की गणना कीजिए। अपन को क्या ज्ञात करना है, शक्ति ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर 100 ओम प्रतिरोध वाला एक उपकरण है, यानी कि यह 100 ओम का एक प्रतिरोध है ना, 100 ओम का एक प्रतिरोध है वाला एक उपकरण 2 एम्पीयर, 2 एम्पीयर की क्या ले रहा है, धारा ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये बैटरी अपन लगा देते हैं, ठीक है, 2 एम्पीयर धारा लेता है, उस उपकरण द्वारा ली गई शक्ति की गणना कीजिए। यानी कि अपन को ज्ञात करना है, वाट ज्ञात करना है। देखिए अपन को दिया है क्या क्या है, R बराबर यानी कि प्रतिरोध दिया है अपन को 100 ओम, ठीक है, और I बराबर दिया है अपन को यहाँ पर कितना दिया है, 2 एम्पीयर दिया है। अपन को ज्ञात क्या करना है, P ज्ञात करना है। अपने पास P के फॉर्मूले कितने हैं, 3 फॉर्मूले। अब यहाँ पर से कौन सा लगेगा ये अपन को सोचना है। देखिए यहाँ पर R और I दिया है, तो इसमें देखिए इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो V की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर अपन को V के बारे में कुछ दिया ही नहीं है तो ये तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। अगला देखिए इसमें भी V दिया है तो ये भी नहीं लगेगा, बचा कौन सा अपना, ये वाला। इसमें देखिए P बराबर I स्क्वायर R है, I भी दिया है और R भी दिया है, तो ये अपन लगा देंगे। कौन सा लगाएंगे, P बराबर I स्क्वायर R, ठीक है, ये वाला अपन यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए P बराबर I कितना है अपने पास, 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू R कितना है अपने पास, 100 है। अब इसको हल कर देते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400 वाट अपना यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को किया जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड यानी कि वैद्युतिक शक्ति से रिलेटेड कैसे शक्तियां ज्ञात की जाती है, जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब इनसे संबंधित काफी सारे क्वेश्चन आपको हल करवा दूंगा, ताकि आप इनसे घबराए ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ फैक्ट आपको और याद रखने हैं, क्या क्या फैक्ट याद रखने हैं, क्योंकि इनको डायरेक्टली जो चीजें याद रखनी होती है ना एग्जाम के लिए, उनको मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ। जैसे कि 1 HP बराबर क्या होता है, तो 1 HP बराबर 735.5 है ना न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होता है, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड मैंने अभी भी लिखाया था आपको, है ना, ये 735 के हिसाब से, तो वो जो लिखवाया था मीट्रिक प्रणाली में ये 735.5 होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन कभी कभार ये पीछे इस तरीके से दे देता है ना, तो इनमें भी कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे, तो आप इनको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, 1 HP बराबर 735.5 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 HP बराबर और है जो कि क्या होता है 550, ठीक है, फुट पौंड प्रति सेकंड होता है, फुट पौंड प्रति सेकंड होता है। तो ये कुछ फैक्ट है ना जिनको अपन को डायरेक्ट याद रखना है, वो चीजें मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूं। 1 HP बराबर देखिए यहाँ पर 746 है ना, जो कि क्या होता है जूल प्रति सेकंड होता है, क्या होता है जूल प्रति सेकंड, यानी कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो यहाँ पर जूल प्रति सेकंड है, यहाँ पर न्यूटन मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है ना। न्यूटन मीटर को भी अपन जूल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है। 1 HP बराबर, सॉरी अब लिखेंगे अपन 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल बराबर यानी कि जो जूल है 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 1 जूल बराबर 10^7 अर्ग होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये काफी बार पूछा जा चुका है, और ये भी काफी बार पूछा जा चुका है, ये नहीं पूछा गया है, पूछा जा सकता है, लेकिन ये तीन तो काफी बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनको आप याद कर लेना जैसे भी आप कर सको, ठीक है ना। तो ये था वैद्युतिक शक्ति जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आपको ऊर्जा के बारे में अपन
पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।